जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर एवं धर्म स्थलों का इतिहास रहस्यों एवं चमत्कारों से भरा हुआ है। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पवित्र धामों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास अपने आप में ही हैरान कर देने वाला है। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में मौजूद मूर्तियों में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। जहाँ अन्य मंदिरों में भगवान की अलौकिक मूर्तियाँ देखने को मिलती है, तो वहीं जगन्नाथ मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ अधूरी है। तो चलिए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में धड़कते श्री कृष्ण के दिल का रहस्य क्या है। कौन है भगवान जगन्नाथ? शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को ही जगन्नाथ होने के प्रमाण मिलते हैं। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बहन के साथ विराजमान है। सभी मंदिरों में भगवान की मूर्तियाँ अष्ट धातु या किसी धातु के पत्थर से बनी हुई है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में नीम की लकड़ियों से मूर्तियाँ बनी हुई है। माना जाता है कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में श्री कृष्ण ने नीम के पेड़ के लट्ठे से अपनी और अपने भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ बनाने का आदेश दिया था। तब राजा इंद्रद्युम्न ने यह मंदिर बनवाया था। मान्यता के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की मूर्तियाँ हैं, जो हर 12 वर्ष में बदली जाती है। जब मंदिर की मूर्तियाँ बदली जाती हैं, तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगा। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं, तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ है जो अष्ट धातु से बना है, लेकिन यह ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है।